मौलाना होशियार चंदनपुर के महाराज सूरज सिंह पधार रहे हैं। खुश रहो प्रसन्न रहो तेजस्वी भवो। परंतु इतनी देर से इतना समय क्यों खर्च करते हो किसी भी कार्य को करने के लिए राजदरबारी? और बताओ रैयत का हमारे समाचार क्या है? हमारे प्रजा में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके प्रजा में कोई कष्ट नहीं है, आपकी प्रजा बिल्कुल खुशहाल है। जितनी भी प्रजा है आपके नाम की माला जप रही है। तुम मुझे जानते हो हाँ? लेकिन ये तमाम लोग जो यहाँ पर उपस्थित है उन्हें मेरे विषय में नहीं पता है, मेरा परिचय नहीं पता है, लोग मेरे विषय में बताओ। हाँ बात सही है, ये आप बात सही कहा था महाराज, लेकिन बात ही फंसाता है। हम दुई कौड़ी के नौकर ही, आपका नाम हम कैसे ले सकी था महाराज? आपका नाम परचे खुदे बताई दा। इतनी रात के चला आवत है, अब का करबे, का करे जात है, का करके दिखाई के चला जाबा यहाँ से। तुम सही कह रहे हो, इसीलिए तो मेरे तुम बहुत प्रिय हो। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ साथियों, मैं चंदनपुर रियासत का दिग्विजय सम्राट महाराज सूरज सिंह हूं। मेरे राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मैं अपनी प्रजा के दुख दर्द को जानने के लिए निरंतर एक अलग वेश बना करके पता करता हूं कि किस प्रजा को किस प्रकार का दुख है। मेरे परिवार में मेरी पहली पत्नी पद्मावती आज के 20 साल पहले स्वर्ग को चली गई। स्वर्ग में चली गई रही? जी हाँ, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु मतलब मर गई रही? जी एकदम से मर गई रही। कोई आधा नहीं मरता, पूरा ही मरता है। उसके बाद मेरा भाई कमल जो मुझसे बहुत छोटा है आयु में, उसमें वो बहुत छोटा था, चूंकि माता पिता कमल के पैदा होने के तुरंत बाद ही स्वर्ग को चले गए थे, तो कमल की सारी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मुझे चंदनपुर का राजा केवल 16 साल की आयु में बना दिया गया, जिसमें उसमें मेरा भाई केवल महज 2 साल का था। उस समय कमल की परवरिश के लिए जरूरी था कि मेरा दूसरा विवाह हो, क्योंकि 16 साल की आयु में ही मेरा विवाह हो गया था और जल्दी ही मेरी पत्नी स्वर्गवासी हो गई। और उसके बाद महामंत्री सुल्तान सिंह के कहने पर मैंने उदयपुर के महाराज की पुत्री राजकुमारी कलावती से मैंने अपना दूसरा विवाह कर लिया, वो भी अपने महामंत्री सुल्तान सिंह के कहने पर। सुल्तान सिंह मेरा मंत्री ही नहीं, मेरे राज का प्रमुख सेना नायक ही नहीं, मेरा परम मित्र भी है। लेकिन राजदरबारी, हाँ महाराज, कमल तो लंदन से आ गया है। हाँ भैया तैयारी हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं आया है। खैर कोई बात नहीं, वो तो आएगा जरूर, कहीं होगा। हाँ हाँ। लेकिन उससे पहले महामंत्री सुल्तान सिंह आज तकरीबन कम से कम 15 दिन हो गए हाँ हाँ। मेरे पास नहीं आए हैं, हालांकि युद्ध की लड़ाई में गए थे। युद्ध तो तुम जानते हो एक हफ्ते पहले, एक सप्ताह पहले समाप्त हो गया है। समाप्त हो गया रहा, अभी तक उनका आना नहीं हुआ है। हाँ हाँ। जरा पता करो कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, आप बैठ जा, विश्राम कर, हम बुला लेते हैं, बैठ जा। हेलो हेलो, महामंत्री सुल्तान सिंह आपको दरबार में महाराज बुला रहे हैं। महाराज के चरणे कमल में मंत्री ज
चुकाए। महाराज के चरण कमल में मंत्री झुकावे से, महाराज जी दीजिए शुभ सुंदर आसे। प्रसन्न रहो महामंत्री, तुम मेरे महामंत्री नहीं मेरे परम मित्र भी हो। तुमने तो कह दिया ना, मेरी बात सुनो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे पर उदासी है, ऐसा लगता है कि कुछ कहना चाहते हो परंतु तुम कह नहीं पा रहे हो। बात क्या है महामंत्री, सकुचाओ मत बताओ। महाराज, जब मेरे उतरे हुए चेहरे के उदासी को आप जान ही गए हो तो मैं बता रहा हूं। बिल्कुल बताओ, क्या कहना चाहते हो महामंत्री, बोलो। जिसको भाई समझ पे महाराज जे, ए बनाई तुम्हारा एक खुद काल है, चल के देखो तुम अपने आंखों से, ए खुद ही बिछा के अपना जाल है। बस खबरदार मंत्री है जुबारों के लिए, बस खबर। नहीं मेरा भाई कमली ऐसा अब हर दिन नहीं, भूखा यारे तो उस पे लगाना नहीं। बस महामंत्री बस, कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें। राज दरबारी गोकुल इधर आओ। महामंत्री कह रहे हैं कि कमल और कलावती में गलत संबंध है। नहीं महाराज, ऐसा तो ना हो सकत, हम कबो देखो भाई ना आई के है। ये बताओ कि देवर भाभी में सीता और लक्ष्मण के समान दोनों का रिश्ता है। कलावती कमल को पुत्रवत प्रेम करती है और कमल माता के समान समझता है कलावती को। ये सुल्तान कैसी बात कर रहा है? ये बात सही है महाराज, भले हम ना देखे है, लेकिन एक बात हो सका था, कमल भैया जौन बलंदा से आए हैं ना, वे हमसे आपसे मिले नहीं, हो सका था भौजी से मिला हो, अपन वार्तालाप प्रेमलाप करत हो, महामंत्री देख गवा हो। हाँ। इस तरह की बात करते हुए दरबारी तुम्हें भी शर्म नहीं आ रही है? महाराज, मैं अपने आंखों से ऐसी हादसा होते हुए मैंने देखा हूं। तुमने अपनी आंखों से देखा है सुल्तान, लेकिन मैंने अपनी आंख से नहीं देखा है। आपने अपनी आंख से नहीं देखा है महाराज, जब आप देख लोगे तो खुद समझ जाओगे कि हमारा जो जिंदगी भर का मौकर है वो सत्य है कि झूठा है, उसी में समझ में आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सुल्तान, अगर तुम्हारी बात झूठ निकल गई तो तुम ये जानते हो कि मैं किस तरह का राजा हूं, चाहे भाई हो चाहे मित्र हो, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, उसे अपराधी देने पर मैं दंड अवश्य देता हूं। महाराज जी, जहां जहां लड़ाई हुई है सबसे पहले मैं गया हूं,
उसके लिए अगर आप मुझे फांसी दे दोगे तो मुझे मंजूर है महाराज। क्या तुम मुझे ये दृश्य दोबारा दिखा सकते हो सुल्तान? अवश्य अवश्य महाराज जी अवश्य। अगर मौका मिल गया, अगर ये दृश्य आ गया तो मैं आपको अवश्य दिखा दूंगा। अच्छा, तो जिस घड़ी तुम मुझे अपनी आंखों से दिखाओगे, प्रत्यक्ष में देखूंगा, तो उस समय मैं कमल को अवश्य दंड दूंगा। लेकिन अगर कमल गलत नहीं है, अगर गलत तुम हो, तो तुम्हें भरे चौराहे पर सूली पर चढ़वा दूंगा। सुल्तान, क्या मंजूर है? मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। तो चलो दिखाओ मुझे। चलो, चलो, चलो। देखो, अरे कहाँ चला जाया था बेटवा? काम ही तो खड़ा है। जब हमें आई थे तू सही सामने नहीं देखा पौता बेटा वहाँ। तुहरे दिखाते ना, तुहरे अखिया मोती केवर धरे का कहे? अभी खड़ा है मोतिया केवर नहीं खड़ा है तब नहीं देख पावता हूँ। ये बेटवा जब सामने आवे जाने तो हमारे कुछ अब खोल के बताई तब नहीं खोला जी। मैंने रामूनी रामूनी हाँ तो बेटवा कोडे कोल में समझ जावा करा। हाँ हाँ ये बेटवा का सुना कमल के बोलौता। हाँ हाँ उनसी रच की बात करी। रच की बात करबू ढेर के। अरे अरे कहा थी कि ये दीदी चला एक कवर खाई ले। हाँ के दो मन खाई ले थी। हाँ तो का एक कवर भैया हरे माई बहनियों खा थी। हाँ बुलावा बेटवा रचे कुछ बात कर ले। बात करबू? हाँ हो अपने कमरा में। हाँ चला ठीक है। कह कि भाभी अपने कमरे में आपको याद कर रही है। अच्छा ठीक है बैठ जा तो बोलाई। अरे हम बैठे यही बेटवा। हेलो हेलो कमल भैया आपकी भाभी जी अपने पर्सनल कमरे में आपको याद कर रही है, चले जाइए। बेईमान बना दे कलमा